Hi kids. Hi sir. Florama, let us first calculate for 6 kgs of fresh fish. अब फ्लोरम्मा कौन है? फिशर. हाँ, एक फिशर विमेन जो मछली बेचती है. अब वो बोल रही है कि लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kgs ऑफ फ्रेश फिश. अब वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 6 kgs ऑफ फ्रेश फिश, मतलब जो फ्रेश जो मछलियां हैं और जिनका वेट कितना है 6 kg. वी बाई फ्रेश फिश फॉर रुपीज 15 पर के जी, मतलब जब वो फ्रेश फिश खरीद रहे हैं तो कितने रुपए का रेट है उनका? 15. और जब वो बेचेंगे उनको सुखा के तो उसका वेट कितना होगा? 70 पर के जी, मतलब 1 किलो कितने की मिलेगी? 70 रुपए की. वी ड्राई 6 kg फ्रेश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश. अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो 6 kg फिश को सुखाते हैं तो कितने फ्रेश कितने बन जाएंगे वो ड्राई होके? 2 kg. फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, 6 किलो फ्रेश मछलियों को लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 15. किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से. वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, अब 2 kg को बेचने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा ड्राइड फिश को? 6 70. हाँ, 70 से 2 इंटू 70 कितना आ गया यहाँ पे? 140. 40. सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, तो वो बोल रहे हैं कि 6 kg फ्रेश फिश विल कितने रुपए कमाएंगे? देखो, 90 रुपए की उन्होंने खरीदी और 140 रुपए की उन्होंने बेची. तो कैसे पता चलेगा? 140 में से 90 घटा के. वेरी गुड, 140 में से 90 को घटा के कितना आएगा? 50. कितने रुपए कमाए उन्होंने? 50. 1 किलो मछली में कितना कमाया उन्होंने? 6 kg मछली में कितने कमाए उन्होंने? 50 रुपए. 50 रुपए कमा लिए ना. अब वो बोल रहे हैं कि बट इफ वी ड्राई 6000 kgs वी कैन अर्न रुपीज, लेकिन उनका महीने का टारगेट कितने का है? 6. 6 था, 6000 का. ठीक है, तो किससे गुणा करना है इसको? 50 से. ठीक है, 50 से 1000 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50,000. तो कितने कमाए उन्होंने एक महीने में? 50,000 रुपए कमा लिए. अच्छा है ना, सौदा अच्छा बिजनेस नहीं है ये? करना कुछ पड़ा? No, sir. क्या करना पड़ा? फ्रेश मछलियाँ खरीदी, उनको सुखाया और बेच दिया, 50,000 कमा लिए महीने में.